Hello students, I Susanta welcome you all to class 10 history chapter 1. The first chapter is the rise of nationalism in Europe. Iska matlab hai Europe mein rashtravad ka uday. So let's start. Ye first page mein dekhiye ek picture diya hua hai. Jo chitra jo hai 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरेव ने चार चित्रों की एक श्रृंखला बनाई. इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था. इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका का लोग दिखे गए हैं. सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं. आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे. यहाँ भी आप ज्ञानोदय का मसाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है और दूसरे हाथ में अधिकारों का घोषणा पत्र. प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं. सर्व के कल्पना दर्श में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बंटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक में होती है. स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो तब तक राष्ट्र राज बन चुके थे. फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है. उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं. यह दिलचस्प है कि जिस समय सरेव ने यह छवि निर्मित की जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे. जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी. जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लंबाड़ी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगेरी, ऐसे बहुत सारे रूस भी लोग थे. ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह संत इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं. चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है. इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सरेव ने चित्र में किए हैं. 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और सामाजिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए. इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज का उदय हुआ. यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें राष्ट्र रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी. लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि अनेक अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी. साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी. यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी. यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए. फर्स्ट पॉइंट है उसमें हम पढ़ाई करेंगे कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन.
इसका मतलब फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो इसमें हम देखेंगे राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संविधानिक बदलाव हुई उसने प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वो ही उसकी नियति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिसने फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा जिसको हम ट्रिकलर कहते हैं चुना गया जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात नियत शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय वालियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोले और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप की विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों में उन फ्रेंच सेनाओं के लिए सत्ता तैयार किया जा सकता था। 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में ये सारे घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगे। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहां उसने एक अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट किया मगर प्रशासनिक क्षेत्र में अपने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता जैसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है उसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में ही भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटाली और जर्मनी ने नेपोलियन को प्रशासनिक विभाजनों का सरल बनाया, सम्मति व्यवस्था को खत्म किया और किसानों का भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाए। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया, यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया, किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आजादी चखी। उद्योगपतियों और खास तौर पर सामान बनाने वाले
लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के अवगमन में सहूलियत होगी। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रुसेल्स, मेज, मिलान ऐसे भी फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वाले की तरह स्वागत किया गया। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदे से कहीं ज्यादा नजर आने लगे। तेरे विद्यार्थियों, पॉइंट टू में दिया गया है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो चलो पढ़ते हैं। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं, वे तब ऐसा नहीं थे। डचेस, कंटोन्स इसमें बंटे हुए थे जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वो अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदारी नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगेरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जन समूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्पस के टेराल, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया थी शामिल, जहां की कुलिनबर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेसिया जैसे इटालवी भाषा प्रांत भी शामिल थे। हंगेरी में आधे लोग मैगर भाषा बोलते थे जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गलीसिया में कुलिनबर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक कार्नियालाव, इसमें दक्षिण में फ्राइट तथा पूर्व की तरफ ट्रांसलेवेनिया, इसमें रहने वाले रोमन लोग। ऐसे फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाली नहीं था। इन तरह तरह के समूहों का आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभारा, तो इसका जो सब पॉइंट है चलो देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, इसका मतलब कुलिनबर्ग और नया मध्य वर्ग। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलिनबर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पर व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिजाह से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे, किसान,
पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्व और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बांटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों उसमें बने। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर मुलाकात होगा अगले अध्याय में। सो ऑल ऑफ यू टेक केयर ऑफ योर स्टडीज।